14वीं शताब्दी की ऐतिहासिक धरोहर लाल किले की निगरानी डालमिया समूह को देने के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश का माहौल है। लाल किले चौक पर आम जनता से सरकार के लिए चंदा मांगकर लाल किले की बचाव की गुहार लगाते हुए एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर सुनाया है। विरोध कर रहे, एक रुपया मांग रहे, क्या क्या वजह बताता हूँ। असल चीज ये है कि मोदी जी और ये तमाम जो राष्ट्रवादी दल है, जो अपने आप को फर्जी राष्ट्रवादी दल, मैं तो फर्जी कहता हूँ, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है। कांग्रेस ने 70 साल में ये कहा है, किया है कि कभी किसी राष्ट्रीय धरोहर को बेचा नहीं, किसी को लीज पे नहीं दिया, किसी को गोद नहीं दिया। और गोद हम क्यों देते हैं जब हमसे जो है उसकी पालन पोषण नहीं होता। सरकार से आज देश का पालन पोषण नहीं हो रहा, समाधान नहीं समझ रहा, इसलिए सरकार विफल हो चुकी है। और मोदी जी ये भी कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे काम करने के बाद धरोहर बेच रहे हैं। अगर ऐसे 18 घंटे काम करना तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि भाई आप 18 घंटे काम मत करो, आप सिर छोड़ के चले आओ। बताते चले आपको कि इस मामले की तूल पकड़ने पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस का कहना है कि यूपीए सरकार ने भी हुमायूं का मकबरा, ताजमहल और जंतर मंतर सहित 5 स्मारक की निगरानी के लिए प्राइवेट कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। SPR 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।